ग्रामीण इलाके का पहला ICSE से मान्यता प्राप्त बाबा फरीद पब्लिक स्कूल, गोवा केरला के अनुभवी स्टाफ के साथ इंग्लिश मीडियम फुली AC में फ्री हॉस्टल फैसिलिटी की सुविधा भी उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है वडिंगखेड़ा 2 केलियावाली रोड मंडी डब्वाली। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि डब्वाली से आ रही है, जहां पर शहर थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये एक युवती की ऐसी करतूत है जब उसने जूस में नींद की गोलियां घोलकर अपनी माँ और भाई को बेसुध किया और घर से 6 तोले सोना और 80,000 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गई। अब पुलिस ने पड़ोसी युवक और युवती पर मामला दर्ज किया है और जांच में पुलिस जुटी है। ये मामला जो कि हम आपको बता रहे हैं डब्वाली के गांव का है, जब एक युवती ने युवती की ओर से ये एक ऐसी करतूत की गई है जिसमें उसने नींद की गोलियां घोलने के बाद उसे माँ और भाई को पिलाया और दोनों को बेहोश करने के बाद वो घर से देर रात को जेवरात और हज़ारों रुपए की नकदी चोरी करने के बाद फरार हो गई। पड़ोसी युवक भी घर से गायब है। मामला ये डब्वाली के गांव का है, जब डब्वाली शहर थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस में दर्ज करवाई गई शिकायत में जो कि परिजनों की तरफ से बताया गया है कि घर पर वह उसकी माँ और दादा रहते हैं। दादा काफ़ी वक्त से बीमार रहते हैं, उन्हें कोई भी होश नहीं रहता है। 7 फरवरी की शाम को करीब 7 बजे उनके पड़ोसी हैं जो उनके घर पर आए थे और उसके बाद जो उसकी बहन है वो उनसे बातचीत भी कर रही थी, लेकिन बहन ने खाना खिलाया और उन्हें पूरे परिवार को जूस पिलाया, जिसके बाद वो गहरी नींद में सो गए। जब सुबह उठे देखा कि उनकी जो बहन है वो घर पर नहीं है। इधर भाई ने ये भी बताया है कि घर से सब कुछ गायब मिला है और उसके साथ ही दूसरा पड़ोसी युवक भी गायब है। शिकायतकर्ता के मुताबिक घर से उसकी माँ, दादी और दादे के करीब 6 तोले सोने के जेवरात और 80,000 रुपये की नकदी और 2 मोबाइल भी घर से गायब मिले हैं, जहां पर बहन ने पड़ोसी ने जो जूस में जो नींद वाली गोलियां पहुंचाकर ये इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं पर जानकारी देते हुए डब्वाली से थाना प्रभारी जो कि सत्यवान शर्मा ने बताया कि अभी कोई क्लू नहीं मिला है, मामले की गहनता से जाँच की जा रही है और पीड़ित परिवार की तरफ से भी इसमें गहनता से जांच करने और तमाम चोरी का जितना भी सामान जिसमें जेवरात और नकदी है उसे भी ट्रेस करने की गुहार लगाई गई है। तो ये शर्मसार करने वाली एक ऐसी करतूत उस युवती की है जिसने अपने भाई, माँ और दादा को ना सिर्फ धोखा दिया बल्कि ऐसी करतूत की है जो समाज में अपने आप में रिश्तों को तार तार करती है। हम रिश्तों की गरिमा की कदर करते हुए इस ना ही गाँव का नाम आपको बताएंगे, ना ही लड़की का नाम, ना भाई का नाम, क्योंकि सामाजिक सरोकार से जुड़ी एक ऐसी खबर जो निश्चित तौर पर पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई बनती है, क्योंकि ऐसे में माँ बाप को सबसे बड़ा जो कि जलील होना पड़ता है, उन्हें दुख उठाना पड़ता है और इसके लिए अब पुलिस के पास ये पूरा मामला गया है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस लगातार जो कॉल ट्रेस करने में जुटी है, अलग अलग सोर्सेज के जरिए पुलिस इस घटना को जल्द से जल्द पटापेक्ष करने में जुटी है। पूरा मामला डब्वाली के गांव का है, जब एक युवती ने नशे की जो गोलियों को अपने ही परिवार को जूस में मिलाकर पिलाने के बाद बेहोश किया और घर से जब किसी अज्ञात के साथ फरार हुई तो वो 6 तोले सोना 80,000 रुपये की नकदी ले गई। और अब परिजनों की तरफ से आरोप यह लगाए गए हैं कि पड़ोसी युवक है, उसी के साथ वो फरार हुई है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वाकई ही उस पड़ोसी पर शक होगा या पुलिस जब ट्रेस करेगी घटना तो कोई और मामला निकलता है। लेकिन इस परिवार के लिए जरूर ये एक ऐसी एक खबर जो उसे सदमे में डाल रही है, क्योंकि पूरा परिवार सोया था और एक ऐसी युवती की करतूत जिसकी वजह से पूरा परिवार आज मुसीबत में, और जो कि ना सिर्फ लाखों रुपए के सोने के जेवरात युवती साथ लेकर गई है बल्कि 80,000 रुपए की नकदी भी साथ लेकर फरार हो गई है, जिसके बाद शहर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है और लगातार पुलिस कई ठिकानों पर दबिश दे रही है और पुलिस का कहना है कि जल्दी ही इस पूरे घटनाक्रम में सबूत जुटाए जाएंगे। फिलहाल परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और पुलिस लगातार इस घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है।